खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के पावर प्ले में हमारे मेहमान हैं केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी। जावड़ेकर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए चुनावी मौसम में एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। मेरा पहला सवाल जावड़ेकर साहब जो आपसे है, जो इस वक्त देश सरकार से जानना चाहता है, एक बार फिर राफेल मामले का जिन खुल गया है, राफेल मामले पर पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा, आपको लगता नहीं है इस वक्त में कल जब वोट पड़ने वाले हैं उसके पहले ये बहुत बड़ा झटका है? आप लोग बार बार कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई, पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट नहीं दी है, मामला फिर से सुनवाई के लेवल पर आ गया है। ये बिल्कुल झटका नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई एक न्यायिक सामान्य प्रक्रिया है कि कोई अगर एप्लीकेशन करता है रिव्यू पिटीशन, तो रिव्यू को सुनते हैं, और इसलिए रिव्यू को सुनने का तय किया। आज एक ही तकनीकी मुद्दा था। अनेक देशों में कानून है कि उस कानून में ये होता है कि अगर इलीगली डॉक्यूमेंट्स अगर किसी के पास आए हैं तो उसको कोर्ट नहीं सुनती है, ऐसा कानून अनेक देशों में है, लेकिन अपने देश में ऐसा कानून नहीं है। तो इसके लिए कोर्ट ने कहा कि ठीक है, कहीं जावड़ेकर साहब, यही तो झटका है। आपने सामने आप लोग कह रहे थे कि जो डॉक्यूमेंट प्रशांत भूषण लेकर आए हैं नहीं है, एक मिनट, वो गलत है, वो चुराए हुए हैं, वो फोटोकॉपी किए हुए हैं, पर कोर्ट ने कहा उन दस्तावेजों को मानेंगे, हम उन दस्तावेजों की खुद जांच कराएंगे, और दस्तावेज को उस पुनर्विचार याचिका का हिस्सा बनाया जा सकता है आज की तारीख में। वो आज की तारीख में ये नहीं कहा कि इनको दस्तावेजों को मानेंगे या नहीं मानेंगे, उन्होंने कहा इसको हम सुनेंगे, इतना ही कहा है। और दूसरी यानी बात यानी, है, यानी आप जो चाह रहे थे, दिक्कत नहीं है सुनवाई में, क्योंकि जावड़ेकर साहब आप लोग चाह रहे थे कि इन दस्तावेजों को ना माना जाए, क्योंकि ये प्रिविलेज है, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन है। आप लोगों ने बार बार कहा, आपके वकील यही बोलते रहे सरकारी कि इनको ना एक्सेप्ट किया जाए, पर कोर्ट ने साफ कह दिया, कोर्ट ने साफ कह दिया कि हमें, हाँ अरे ठीक है ना, उसमें कुछ नहीं हुआ, इसमें कुछ नहीं हुआ भाई, न्याय की प्रक्रिया है, लेकिन कुछ लोग समझ ही नहीं थे, समझते ही नहीं, या समझने का नाटक करते हैं, लेकिन वास्तविकता है कि वो समझते नहीं। और इसलिए मेरा तो कहना है कि राफेल का नया अर्थ समझ लो, राफेल माने राहुल फेल। आज क्या बोला उन्होंने, राहुल गांधी कह रहे हैं कि सरकार फेल की है, ऐसा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दी है, ये सच नहीं है, सभी देश जानता है, सभी देश हंसता है। बिल्कुल ठीक, राहुल गांधी ने जो कहा उन्होंने वो कोर्ट के फैसले का अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन निकाला, लेकिन मेरा ये कहना है प्रकाश जी, जिस चीज को रुकवाने की कोशिश है, जिस चीज को रुकवाने की कोशिश, ये मिस इंटरप्रिटेशन है। अपने डिबेट का विषय राहुल गांधी नहीं है, आज अपने डिबेट का विषय है कि क्या सरकार को इस राफेल के मामले पर एक बार फिर कोर्ट का सामना करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने मेरे साथ इंटरव्यू में कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे, पर अब सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार याचिका के लिए तैयार हो गया। राहुल गांधी के जावड़ेकर साहब के बयान देश में और दुनिया में हंसी का विषय बन गए हैं, यही चर्चा का मुद्दा है। आप राहुल गांधी को मुद्दा बनाइए, मुझे कोई चिंता नहीं है, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि आप कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिली, अब तो मानेंगे ना सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार याचिका स्वीकार कर चुकी है, उसकी सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला पलट सकती है, ये भी तो हो सकता है। अब एक मिनट, आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला नहीं पलटा है, सुप्रीम कोर्ट ने दोषी नहीं किया है, सुप्रीम कोर्ट ने जांच का आदेश नहीं दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट वापस नहीं ली है। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, वो निर्णय पक्का है, बिल्कुल ठीक। नहीं 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 नहीं, यहाँ मैं आपसे डिफर करूंगा, उस पर उन्होंने कहा कि ये, यहाँ मैं आपसे डिफर करूंगा पूरे सम्मान के साथ केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर साहब, उसकी वजह ये है आज फैसला नहीं पलटा, ये बात बिल्कुल ठीक है, पर आगे नहीं पलटेगी इसकी गारंटी ना आप दे सकते ना मैं दे सकता हूँ, क्योंकि रिव्यू पिटीशन अब सुनवाई होगी और वो डॉक्यूमेंट जिससे ये साबित होता है, जो ये दिखाते हैं कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस इन्वॉल्व था, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अधिकारियों ने आपत्ति की, पीएमओ की वो चिट्ठियां हिंदू अखबार में छप चुकी हैं,
वो तमाम चीजें अब इसका हिस्सा हो जाएंगी, हो सकती हैं। हमें कोई भी आपत्ति नहीं, कोर्ट में कुछ भी सुनवाई हो सच्चाई सच्चाई साबित होगी, झूठ कभी सच्चाई में तब्दील नहीं होगा। और जब आप कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इन्वॉल्व था, अरे इन्वॉल्व काय में होता है, कोई घोटाला है तो इन्वॉल्व होने का मुद्दा होता है। इसमें सरकार गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, इसमें बिचौलिया नहीं है। बोफोर्स में कॉत्रो की था, अगस्ता वेस्टलैंड में मिशेल था, प्रकाश जी, अनेक सौदों में संजय प्रकाश जी, आप क्यों राहुल गांधी और कॉत्रो की और बोफोर्स की बात कर पीछे जाना चाहते हैं? मैं वर्तमान में रहना चाहता हूं। हमने वो डॉक्यूमेंट्स देखे हैं जो एनराम साहब ने हिंदू अखबार में छापे हैं, जो पब्लिक डोमेन में है, जिसमें ये साफ लिखा गया है कि रक्षा मंत्रालय के अधिकारी आपत्ति जता रहे थे कि रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों को आपत्ति थी कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को सीधे इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए और पीएमओ सीधे डसॉल्ट से बात कर रहा था, ये जायज है? आपने आप मुझे कितने सेकंड दोगे बोलो तो उतना ही मैं बोलूंगा, फिर मुझे डिस्टर्ब नहीं करोगे आप? आप मुझे जवाब दीजिए ना, पीएमओ का सीधे डसॉल्ट से बात करना, एमओडी का उस पर आपत्ति जताना, लेकिन कितने सेकंड बताओ, 30 सेकंड बोलिए, कितने सेकंड बताओ? हाँ 30 सेकंड। तो बात साफ है कि हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास छुपाने जैसा कुछ नहीं है, हमारी सच्चाई की बात है, और इसलिए कोई भी कोर्ट सुनवाई हो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मुद्दा यह है कि आज कोर्ट ने केवल ये कहा कि 3 कागज आए एन राम ने जो छापे, उसमें क्या आया? कोई भी फाइल तैयार होती है तो अपने अपने अधिकारी अपना अपना ऑब्जर्वेशन लिखते हैं, ऑब्जर्वेशन को कोई घोटाला समझना ये गलत है। और ये इम्प्रेशन राहुल गांधी ना समझी में या जानबूझकर करता है, लेकिन आप तो समझदार हो। ठीक है, आपका जवाब हुआ, आपने अभी भी मुझे संतुष्ट नहीं किया। पीएमओ के अधिकारी डसॉल्ट कंपनी से सीधे बात कर रहे हैं, रक्षा मंत्रालय के अधिकारी जो इस नेगोशिएशन में शामिल थे वो आपत्ति जताते हैं। एक सरकार के दो विभाग आपस में टकराव की स्थिति में है, पीएमओ का इन्वॉल्व होना रक्षा सौदे में क्या ये जायज था? प्रकाश जी, पीएमओ कभी भी किसी भी इसमें केवल मार्गदर्शन की भूमिका रखते हैं और वो जायज है। पर पीएमओ के लोग सीधे विदेशी कंपनी से बात करें, रक्षा मंत्रालय के लोग आपत्ति जताएं? सभी प्रधानमंत्रियों के पीएमओ ऐसा मार्गदर्शन करते हैं। तो वो जो नेगोशिएटिंग कमिटी थी उसका काम ही क्या रह गया? अगर पीएमओ ही सारे प्राइस तय कर रहा था, ये तय कर दे रहा था 126 के बदले 36 ही लेंगे, लेकिन पूरी प्रक्रिया समय पे पूरी हो ये देखना, आखिर देश के हित में जो काम होना है वो समय में हो ये देखना, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री हमारे टीम के कैप्टन होते हैं तो उनको देखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। पर जावड़ेकर साहब, आज की तारीख में इस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तीनों जज ने जब सुनाया, उसके तुरंत बाद राहुल गांधी, रणदीप सुरजेवाला, मायावती, अरविंद केजरीवाल, लेफ्ट सब ने कहा कि ये सरकार का घोटाला साफ हो जाएगा, सरकार ने इसमें करप्शन किया ये साफ हो जाएगा, अब ये जांच दोबारा शुरू हो गई है। अब आप राजनीतिक टिप्पणी करिए। ये जांच दोबारा शुरू नहीं हुई है, एक सुनवाई का मौका कोर्ट ने दिया है, उसमें अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, अगली तारीख भी नहीं बताई है। अब लेटेस्ट सी क्या होता है। जैसे हमने कहा, ये दो सरकारों के बीच का समझौता था, कांग्रेस ने 10 साल इसको नहीं किया था, 2003 में अटल जी ने फैसला किया, 2007 में उन्होंने टेंडर किया और 2012 में उसको रोक दिया, 5 साल टेंडर में लगाए और 2012 में राफेल को सिलेक्ट करके उसको रोक दिया। ये कांग्रेस का पाप है, अगर उसी समय वो पूरा करते तो आज राफेल दाखिल हो जाते। जितने दाम में 126 आ रहे थे उतने दाम में 36 विमान आएंगे। आप कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट अब जब सुनवाई करेगा, रिव्यू कर रहा है, तो हो सकता है कि प्राइसिंग पर भी बात कर ले। लेकिन मेरा एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसके पहले कि वक्त खत्म हो, आपको जाना है, मैं जानता हूँ जावड़ेकर साहब, मैं ये जरूर जानना चाहूंगा, आज का दिन बीजेपी के लिए झटके से झटका भरा रहा है, आज उस फिल्म को भी इजाजत नहीं मिली, चुनाव आयोग ने प्राइम मिनिस्टर पर जो फिल्म बनी है उसको भी रोक लगा दी है।
उसकी रिलीज नहीं हो सकती, उसको आचार संहिता का उल्लंघन के दायरे में देखा जा रहा है। ऐसा है, चुनाव आयोग अपने आचार संहिता के अपने इंटरप्रिटेशन के आधार पर वो कोई आदेश देती है, उसकी कानून में दूसरी भी व्यवस्था है, लेकिन हमारे लिए एक कोई फिल्म प्रकाशित होने या न प्रकाशित होने से हमारे प्रचार में या प्रभाव में देश के जनता के मन की जो बात है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। लोग मोदी जी को दूसरी टर्म दे रहे हैं इस विश्वास के साथ कि इनके हाथ में देश सुरक्षित है, ये मजबूत नेतृत्व देंगे। मोदी जी को दूसरी टर्म अब इमरान खान भी दे रहे हैं, तरक्की करके आगे ले जाएंगे। अब इमरान खान भी मोदी जी को दूसरी टर्म दे रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं? कल तक आप पेंट कर रहे थे कि विपक्ष जो है वो इमरान खान की भाषा बोल रहा है, आज तो इमरान खान मोदी जी के लिए प्रे कर रहे हैं कि वो चुनाव जीत जाए। इसको कैसे देखते हैं आप? अरे भाई इमरान, एक मिनट, हमारे देश का चुनाव है, इसमें इमरान खान क्या कहता है मुद्दा नहीं है, कांग्रेस क्या कहती है, देश की जनता क्या कहती है, देश की पार्टियां क्या कहती है, ये मुद्दा है। और दुर्भाग्य से जो भाषा पाकिस्तान अपना डिफेंस के लिए करता था वही कांग्रेस वाले यूज करते थे, ममता जी यूज करती थी, ये मुद्दा अभी तक है। और देश में जनता का निर्विवाद साफ है। इमरान खान ने मोदी जी को चिताने की बात कह के आपका मुद्दा छीन लिया, जो आप पेंट कर रहे थे कि कांग्रेसी जो है वो पाकिस्तानी हो गए हैं। नहीं नहीं, अब आप कैसे कहेंगे ये बात? आप ये कैसे कहेंगे? आप अपने इमरान खान की जयकार करिए। या मैं इसका आपके इंटरप्रिटेशन से मैं सहमत नहीं हूँ। ये कांग्रेस क्या कहती है, विपक्षी दल क्या कहते हैं, देश की जनता क्या कहती है, ये देश के चुनाव में मायने रखता है। इमरान खान क्या कहता है इसका कोई मतलब नहीं हमारे चुनाव से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी जावड़ेकर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला हमारे साथ जुड़े एबीपी न्यूज के साथ सुमित अवस्थी टुनाइट के लिए, साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए थे।